खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। आज दोपहर 3-4 बजे की बात है, सड़क दुर्घटना में कैंप वन मदर टेरेसा निवासी गणेशिया बाई की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। गणेशिया बाई अपने परिवार के काम से शादी समारोह में बोरी गांव गई हुई थी और बोरी गांव से शादी कार्यक्रम निपटा के अपने घर की ओर आ रही थी। रास्ते में उसका भाई है, उसने गाड़ी बदला और गाड़ी बदल कर गणेशिया बाई को उसके बहू किरण के साथ बैठा दिया, क्योंकि गणेशिया बाई को उस समय चक्कर आ रहा था। गणेशिया बाई और बहू किरण दोनों जुनवानी शंकराचार्य हॉस्पिटल के सामने से मदर टेरेसा नगर के लिए वहां से निकले। जुनवानी मस्जिद के पास एक हाईवा सामने से आ रहा था और दोनों की आपस में टकराने से गणेश भाई की मौके पर मौत हो गई। जो इस घटना में जो उसका भाई है वो बता रहा था कि गणेशिया भाई के ऊपर जो हाईवा का टायर है वह चढ़ गया था। जी बताएंगे, जो घटने में जो खत्म हुई है वो कौन है आप? मेरी माता जी है सर। क्या नाम है? गणेशिया यादव। कितने साल की थी? 52 साल की, 50 गाँव है। कहाँ से निकली थी? ये बोरी गाँव से घर वापस आ रहे थे। किसके साथ? बहू के साथ। क्या नाम है बहू का? किरण यादव। कितने बजे निकले थे बोरी से? बोरी से 3 बजे सर। घटना कहाँ पे हुई? जुनवानी में मस्जिद के पास। आप लोग को क्या खबर आया? एक्सीडेंट हो गया करके सर, एक्सीडेंट हो गया है ऐसे करके। हम लोग को पता भी नहीं था कि एक्सीडेंट किससे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। हम लोग डायरेक्ट काम में थे, हम लोग डायरेक्ट काम से हॉस्पिटल आ गए सर। घर में कौन कौन है गणेशिया भाई के? बहू है, बेटी है, शशि यादव है, अनु यादव है, दो नाती हैं, काव्या, चंद्रलक्ष। घर का परिवार कैसे चलता है? गणेशिया भाई का क्या मुखिया का भूमिका था उसमें? पिताजी हैं सर, वही चलाते थे। तीर्थ राम यादव मेरे पिताजी वही चलाते थे सर। घर की स्थिति बहुत खराब है सर हम लोग। और जो साथ में जो महिला थी उसकी स्थिति कैसी है? उसकी स्थिति भी बहुत गंभीर है, वो बोल नहीं पा रही है, सदमे में चली गई है। आपका नाम क्या है? रमेश कुमार यादव। क्या लगते हो? मामा लगते, अच्छा वो मेरा सिस्टर लगता है, बहन है। कौन? गणेशिया भाई जी। क्या खबर आया आप लोग को और क्या स्थिति है अभी? हम लोग तीनों शादी में कहीं गए थे। कहाँ? बोरी। अच्छा, बोरी गांव शादी में। आप किसके साथ गए थे? उसी के साथ, मैं, मेरा भतीजा और सिस्टर जो गुजरा, वो हम लोग तीनों एक साथ गए थे गाड़ी में। अच्छा। उसके बाद हम लोग वहाँ से सामान वान छोड़ के वहाँ से हम लोग रिटर्न आ रहे थे, तो बीच में थोड़ा से बोला कि हल्का चक्कर आ रहा, तो हम लोग रुके छाया में। रुकने के बाद बहू जब मिले ना तो बोलते कि दो ठो गाड़ी में अलग अलग बैठ जाएंगे। एक ठो गाड़ी, हम लोग तीन जो थे, तो तीन तीन क्यों रहेंगे, दो दो बैठ जाएंगे ऐसे करके ना बहू को रुकवा के उन लोग गाड़ी में बैठे। कहाँ पे हुई ये बातचीत? जुनवानी चौक में जो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हॉस्पिटल के सामने, हॉस्पिटल हॉस्पिटल के सामने। हाँ जी। गाड़ी आप लोग बदले? हाँ, गाड़ी हम लोग बदले। उसके बाद वो बहू के साथ सिस्टर बैठा मेरा और मैं और भतीजा, हम लोग दोनों एक साथ गाड़ी में निकले, तो बहू है करके हम लोग थोड़ा से आगे हो गए। हम लोग जैसे आगे थोड़ा दूर गए थे, फिर उसके बाद बहू फिर कॉल किया कि हम लोग को एक्सीडेंट हो गया, तुम लोग रिटर्न वापस आओ। अच्छा। हम लोग उस जगह में नहीं थे, तो हम लोग जब रिटर्न आए वापस ना, तो उतना समय दीदी थोड़ा 2-3 मिनट के लिए हल्का फुल्का ऐसे सर वो डुला रहे थे, पानी वानी पिला रहे थे, बहू बस साथ में थे। किसके साथ एक्सीडेंट हुआ, कौन से वाहन के साथ? वो हाईवा है सर, आमने सामने भीड़े के पीछे से। अब ये तो नहीं मालूम सर, क्योंकि हादसा के सामने मैं नहीं था। जब वहाँ पे पहुंचे आप घटना स्थल पे, तो क्या स्थिति थी? स्थिति तो वही थी कि डंपर थोड़े से आगे गए थे और जो टायर जो चखा था ना, उसमें ब्लड ब्लड का टायर में निशानी था और थोड़ा तो चक्का चढ़ गया था क्या? हाँ, चक्का चढ़ गया था सर, चक्का में ब्लड ब्लड का ना निशानी था और इतना सारा उसको मटन ना पूरा रोड में बिछाया हुआ भी था, पैर का जो पूरा पैर का जो यहाँ ये भाग पूरा छिला के, इतना दूर हम लोग खुद के पूरा छिल गया था, तो 2-3 जगह इतना मटन उसका ना रोड में छिटाया भी था। अच्छा अच्छा। हाँ, स्पॉट में ही खत्म हो गई। हाँ, स्पॉट में खत्म हो गई समझो सर, 5-7 मिनट जिए है। हाँ। गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी, क्या थी? हाँ। कैसे टकराया? अब ये गाड़ी वो हम लोग सीधा आ रहे थे, हम लोग इधर से जैसे जा रहे थे ना, तो गाड़ी इधर से ऐसे आ रहे थे, हमारे लोग के साइड में थी गाड़ी, यानी गाड़ी रॉन्ग साइड से चल रही थी। हाँ जी। तो गाड़ी एंटी इंडिकेटर क्रूज दे रही थी? अब ये तो नहीं मान सर, क्योंकि हादसा के सामने हम लोग नहीं थे सर, उसका होने के बाद हम लोग आए हैं। कितने दूर का डिस्टेंस रहा होगा आप लोग? हम लोग ज्यादा ज्यादा वही आधा किलोमीटर मान के चलो सर, आधा किलोमीटर लगभग की दूरी में थे। एक बेटा जो है अभी बाहर में है, आ रहे हैं।
हाँ वो आएगा तभी डिसीजन ले पाएंगे क्या है कैसा है, अभी हमारा कोई दिमाग नहीं काम कर रहा है। अभी आपकी बहू की स्थिति क्या है, डॉक्टर क्या बता रहे हैं? बहू कौन से बहू की, बहू तो मृत हो गई है ना, जो भाभी। हाँ वो बहू भाई भतीजा बहू है, भतीजी। हाँ वो तो बेहूद से मने, वो भी कोई बात नहीं कर रही। उनको भी चोट लगा है? अब चोट तो अभी सामने नहीं दिख रहा है, अंदरूनी चोट है, उसकी बात में पता नहीं चल रहा है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1800309161।